मैं आ चुका हूँ यहाँ पे SMS के हॉस्टल पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिपल बेड लगा हुआ है और इधर साइड आप देख सकते हैं खिड़की है। ये आप देख सकते हैं आ चुके हैं हम मेस के बाहर। अभी ये टेबल लगी हुई है, अभी अंकल लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं और यहीं पे बैठ के खाना पानी होता है और यहाँ पर खाना सर्व किया जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइमिंग्स लिखी हुई हैं। क्या सजेस्ट करेंगे हॉस्टल कैसा है तो आप एक बार बताइए। क्लीनलीनेस के बारे में, रूम क्लीनलीनेस के बारे में कैसी है आपकी? नमस्ते, आदाब, सरकार, जय हिंद। मैं हूँ किशन मित्रा, आपका दोस्त, और अभी आ चुका हूँ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर। आप लोगों की कई सारी क्वेरीज थी यहाँ के हॉस्टल के रिगार्डिंग, जो बॉयज़ हॉस्टल है वो आपको आज दिखाऊंगा भी, और जिसकी जितनी भी डिटेल्स हैं सभी हॉस्टल की, हॉस्टल का एक स्टूडेंट मेरा दोस्त मेरे को मिल चुका है यहाँ पर, और मैं आपको उससे सारी क्वेरीज दूर करवाऊंगा। जितनी भी हॉस्टल की फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्टल के क्या क्या, कैसे खाना है, कैसा मेस है, सभी आपको फैसिलिटीज़ दिखाऊंगा और सारी क्वेरीज आपकी दूर करवाता हूँ। तो अभी जैसा आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ यहाँ पे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज यानी SMS के हॉस्टल पे, जो कि कंदवा के इलाके में। आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं ये हॉस्टल की बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है और ये बाउंड्री है। आइए आपको पास से दिखाता हूँ कैसे इसका बाहर से लुक दिखाई पड़ता है। और ये आप देख सकते हैं अंदर घुसते समय ये पूरा का पूरा ग्राउंड है, ये पीछे बिल्डिंग है, कितनी हरियाली है एकदम चारों तरफ। और यहाँ पे बीच में एक नेट भी लगी हुई है जहाँ पे लोग शाम को फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, जो जो यहाँ मिले सब खेलते हैं। और अंदर आपको चल के दिखाता हूँ क्या है यहाँ पर। तो अभी आप देख सकते हैं मैं हॉस्टल के यहाँ एंट्री के बाहर आ चुका हूँ और अभी दोस्त मेरे साथ एक खड़ा है, आयुष। आयुष एक बार आइए, आप अपना हॉस्टल में घुमाइए। तो आयुष मेरा क्लासमेट है और ये हॉस्टल में पढ़ता है, और इससे इनका भी रिव्यू जानेंगे कैसा हॉस्टल है और क्या क्या यहाँ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं। तो आयुष अपना आप हम लोग को हॉस्टल दिखाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चारों तरफ रूम्स हैं, एक इधर भी रूम है, इधर भी रूम है। तो आयुष अभी मेरे को लेके चल रहे हैं अपने रूम में। ये देख सकते हैं आप आयुष का रूम, यहाँ पे ट्रिपल बेड लगा हुआ है और इधर साइड आप देख सकते हैं खिड़की है, पीछे आपके वहाँ अलमीराज लगी हुई हैं, और इस साइड यहाँ पे वॉशरूम और टॉयलेट है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं ये छत के साइड, यहाँ पे मेस है, यहाँ पे ही खाना पानी सब होता है। ये आप देख सकते हैं आ चुके हैं हम मेस के बाहर। तो ये आप देख सकते हैं मेस है, यहाँ पर खाना मिलता है, और यहाँ पर सभी लोग देख सकते हैं। अभी ये टेबल लगी हुई है, अभी अंकल लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं और यहीं पे बैठ के खाना पानी होता है, और आयुष बता रहे हैं यहाँ पे खाना वगैरह बनता है और यहीं से मिलता है। और यहाँ पर खाना सर्व किया जाता है, और यही है हमारा मेस। आइए और चीज़ें दिखाता हूँ, देखता हूँ, पूछता हूँ आयुष से क्या क्या है यहाँ पर। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइमिंग्स लिखी हुई हैं कब कब यहाँ पे खाना वगैरह मिलता है, इसको आप नोट कर सकते हैं। और यहाँ से आप व्यू देख पा रहे होंगे छत का पूरा यहाँ पे, आप दूर दूर तक यहाँ पे सीन दिखाई पड़ रहे हैं, पूरा शहर यहाँ से लगभग दिखाई पड़ ही रहा है। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ से हम लोग अभी एंटर करके आए हैं, ये एंट्री गेट है, और चलते हैं आपको और आगे दिखाते हैं। भाई हमारे साथ बैठ चुके हैं, भाई का एक बार नाम पूछते हैं। भाई अपना नाम बताइए। ईश्वरांशु पांडे। तो ईश्वरांशु भी मेरे साथ हैं, ये हॉस्टलर हैं, SMS कॉलेज बॉयज़ हॉस्टल में ये रहते हैं और ये यहाँ 3 साल से रह रहे हैं, तो इनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है यहाँ के फैसिलिटीज़ के बारे में, हॉस्टल की फैसिलिटीज़, फूड सर्विसेज, मेस वगैरह सब चीज़ के बारे में ईश्वरांशु बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। और जितनी फ़ीस वगैरह है सब आज ईश्वरांशु आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। ईश्वरांशु सारी डिटेल्स जो जो आप बता सकते हैं अपने जूनियर्स को, और आप क्या सजेस्ट करेंगे हॉस्टल कैसा है तो आप एक बार बताइए। हम लोगों के साल फीस
क्योंकि हम लोग जब बैच हम जो हमारा बैच था वो कोरोना बैच था, तो हमारे कोरोना बैच के टाइम पे 68,000 फीस थी पूरे साल की, लेकिन अगले साल अगले जो दो साल हम लोग रहे वो हम लोग कंटिन्यूसली पूरा साल रहे थे, तो उसमें 80,000 फीस है यहाँ पे। अब पता नहीं कितनी हो गई होगी, अब बढ़ी है मे बी 83 और 85 कुछ रहे। रही बात खाने की, तो आदमी घर से बाहर निकला है तो पहले ही सोच ले कि खाना ख़राब ही मिलने वाला है, तो खाने में आदमी कॉम्प्रोमाइज़ अगर कर सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आप आइए रूम फैसिलिटी, तो यहाँ ट्रिपल सीटिंग का रूम है जिसमें एक रूम में तीन सिंगल बेड, स्टडी टेबल, तीन बड़े अलमीरा और तीन छोटे अलमीरा मिलते हैं जो अटैच लेटरिन बाथरूम के साथ आता है। साथ ही साथ इसमें आपको दो पंखे मिलेंगे, और एक प्रॉब्लम है कि आपको इसमें कोई बालकनी नहीं मिलेगी, खिड़की मिलेगी दोनों एक साइड। और रही बात फैसिलिटीज़ की, तो आपको वाईफाई मिलेगा, लेकिन कॉलेज टाइमिंग के टाइम वाईफाई बंद रहता है क्योंकि कॉलेज टाइमिंग में आपको कॉलेज में वाईफाई मिलता है, तो यही फैसिलिटीज़ वहाँ पे हैं। और स्टाफ सपोर्टिंग है, आप अच्छे से रहेंगे तो अच्छे से रहेंगे। साथ ही साथ रैगिंग फ्री हॉस्टल है जिसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वार्डन का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, साथ ही साथ आपको वहाँ के वार्डन भी सपोर्टिव हैं। आप पता नहीं कौन है लेकिन मेरे टाइम संतोष थे, सर थे। इसी के साथ हॉस्टल फैसिलिटी, क्योंकि देखिए आप घर से बाहर आए हैं तो आराम तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, एडजस्ट हर जगह करना ही पड़ेगा। तो पानी यहाँ पे 24 घंटे मिलता है। बिजली की बात रही तो लाइट कटेगी तो जनरेटर चलता है, लेकिन जनरेटर भी कॉलेज टाइम पीरियड में नहीं चलाते हैं, जनरेटर आपके 5 बजे के बाद से अलाउड है। बाकी सब चीज़ों में भी ठीक है, हाँ थोड़ा लोकेशन का पंगा है, लोकेशन थोड़ा सा गांव के तरफ में है, मेन सिटी से थोड़ा सा अंदर है, तो इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पे आपको बहुत हाई फाई सोसाइटी में नहीं है, नॉर्मल सोसाइटी में है। और एक बार ईश्वरांशु आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, क्लीनलीनेस के बारे में, रूम क्लीनलीनेस के बारे में कैसी है आपकी? तो क्लीनलीनेस के मामले में हॉस्टल बहुत अच्छा है क्योंकि हर अल्टरनेट दिन पे बाथरूम साफ होते हैं और हर दिन आएंगे आपका रूम साफ करने, और जिसमें कि आपको गंदगी के मामले में तो मेरे को नहीं लगता है कि आदमी को कोई शिकायत हो सकती है। हाँ आप अपनी फैलाएंगे वो अलग बात है, आप अपने से साफ़ सफाई रखेंगे तो सबसे बढ़िया है, पर फिर भी वो आके साफ़ सफाई कर जाएंगे, उनका वो अपने काम से नहीं पीछे हटते, तो यही। और एक चीज़ और ईश्वरांशु, कुछ लोग जानना चाहते थे कि यहाँ पे एसी या रूम और नॉन एसी रूम का भी कुछ सीन है क्या? नहीं यहाँ पे सारे रूम नॉन एसी हैं। अच्छा, तो यानी कि सारे रूम नॉन एसी हैं। ट्रिपल सीटर कुछ, डबल सीटर या सिंगल सीटर रूम? ओनली ट्रिपल सीटर्स, क्योंकि हर रूम में तीन तीन लोगों के स्टे करने की व्यवस्था है। और ईश्वरांशु से एक चीज़ और पूछता हूँ, ईश्वरांशु ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ के बारे में आप क्या कहेंगे? जो आपसे हॉस्टल फीस ली जा रही है उसमें आपको हॉस्टल से कॉलेज तक पहुंचाने के लिए बस फैसिलिटी इंक्लूड है, हॉस्टल और कॉलेज के बीच में काफ़ी दूरी है तो उसके लिए आपको बस फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, तो यही है। तो बता दिए ईश्वरांशु ने, फीस आपको कोई भी अलग से नहीं देनी पड़ती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी ये हॉस्टल हम लोग पहुँच चुके हैं, बाहर से ये हॉस्टल कुछ इस तरह का दिखता है, आप ये देख सकते हैं, ये SMS का हॉस्टल है। तो ईश्वरांशु ने सारी की सारी डिटेल्स आपको दे दी, उम्मीद करता हूँ जो जो डिटेल्स आपको चाहिए थी फीस के रिगार्डिंग, क्लीनलीनेस के रिगार्डिंग और मेस के फूड के रिगार्डिंग, तो उन्होंने सब चीज़ बता दी हैं। और अगर फिर भी कुछ क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी बच जाती है हॉस्टल के रिगार्डिंग या कॉलेज के किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप उसको कमेंट में डाल सकते हैं, अपनी क्वेरी के साथ आप कोर्स मेंशन करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।